हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ बिग बॉस सीजन 17। सो बिग बॉस सीजन 17 ऑन एयर हो चुका है जियो सिनेमा में, जो हम लोग को 24/7 लाइव फुटेज दिखाता है और एक से बढ़कर एक एंटरटेनमेंट का धमाकेदार एपिसोड है ये, क्योंकि दर्शक इसे देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अरे भैया एंटरटेनमेंट के लिए। अब देखिए, गेम्स तो सभी खेल रहे हैं बट मास्टरमाइंड गेम मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं बहुत किसी को लगता है कि विकी भैया खेल रहे हैं। और विकी भैया को तो बहुत सारे लोग या तो माइंड बोल रहे या तो बोल रहे घर का पूरा ठेका तो विकी भैया ने ही संभाल रखा है। बट यहाँ पे थोड़ा देर के लिए विकी भैया को पॉज करते हैं और आते हैं मुनावर फारूकी के ऊपर। मुनावर फारूकी का गेम भी अपने ही में काफी हद तक दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि मुनावर फारूकी का फैन फॉलोइंग रोज के तादाद में 50,000 करके रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि हमारे मुनावर फारूकी फेमस तो है ही और होते भी जा रहे हैं। इस बार ना बिग बॉस सीजन 17 काफी हद तक तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि बिग बॉस में ना इस बार सभी एक्ट्रेस आए, एक्टर आए, यूट्यूबर आए हैं, कॉमेडियन आए हैं और मुनव्वर फारूकी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है। और शायरी, उफ इनकी शायरी तो अभी भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मुनव्वर का भी गेम रियल सामने आया नहीं। अब मुनव्वर अपना गेम सामने कैसे लेकर आएंगे वो तो मुनव्वर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि लॉकअप में हमें मुनव्वर को देखने को मिल चुका है। जिस तरीका से इन्होंने गेम प्ले किया था, दर्शकों ने काफी हद तक इन्हें पसंद किया, तो लास्ट में ट्रॉफी भी इन्होंने अपने नाम ही की थी। बिग बॉस में ये अपना गेम काफी हद तक अच्छा जमा रहे। अब देखना चाहते है कि ये बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई इनको तगड़ा टक्कर विकी भैया भी दे रहे। मुझे तो इन दोनों का गेम काफी हद तक सॉर्टेड और समझ आ रहा है। आपको दोनों में से किसका गेम ज्यादा बेस्ट लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।